Hello friends, now we have continuation of synonym MCQs, that is for competitive exams after 12th, which includes NDA, SSC CHS and CLAT. Now let's get started. We ended with the question 10th, now we will start with question 11th. That is, synonym of authentic is, and the four options are real, reliable, believable, or genuine. And synonym of authentic will be genuine. Now let's discuss the meanings of these words. First we have authentic. ऑथेंटिक का मतलब होता है कोई ओरिजिन होना, यानी कि जो ओरिजिनल चीज होती है उसको हम ऑथेंटिक बोलते हैं, जिसका कोई कॉपी नहीं होता उसको ऑथेंटिक बोलेंगे. देन हमारे पास है रियल, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो रियल में एग्जिस्ट होते हैं उसको हम रियल बोलेंगे. नेक्स्ट वी हैव रिलायबल, यानी कि ऐसी कोई क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो हमेशा कंसिस्टेंटली गुड होती है उसको रिलायबल बोलेंगे. Then we have believable, it means convincing or realistic. यानी कि किसी चीज का बिलीव होना, उस चीज को मान लेना, यानी कन्विंस हो जाना, उसको believable बोलेंगे. Then we have genuine, which means truly what it is said. यानी कि जो भी बोला है वो सच्चाई में बोला होगा उसको बोलेंगे genuine. Now we have other synonyms for authentic, and these are original, valid, bona fide, rightful, sterling, true, undisputed and legitimate. Now we have 12th question. What is the synonym of mercy? And the options are merit, sympathy, loss or pain. Aur mercy ka synonym hua sympathy. Now let's discuss the meanings of these words. Pehla word hai mercy. इसका मतलब होता है कोई भी कंपैशन और फॉरगिवनेस किसी के सामने शो करना, यानी कि एक ख्याल रखने वाली फीलिंग रखना. देन वी हैव मेरिट, इसका मतलब होता है कोई इंसान जो गुड या वर्थी हो, उसकी क्वालिटी जो होती है वो गुड हो, उसको हम मेरिट बोलेंगे. देन वी हैव सिंपथी, यानी कि किसी के लिए अच्छी या सौरव वाली फीलिंग्स शो करना, उसको हम सिंपथी बोलेंगे, किसी के लिए सैड फील करना. देन वी हैव लॉस, इसका मतलब खो देना, कोई एक चीज जो हम खो देते हैं उसको हम लॉस बोलेंगे. देन वी हैव पेन, इसका मतलब होता है मेंटल सफरिंग और डिस्ट्रेस, यानी कि दुख, जो अंदर ही अंदर मेंटल सफरिंग होती है उसको पेन बोलते हैं. नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर मर्सी, एंड दीज आर clemency, grace, humanity, generosity, mildness, pity, charity and quarter. Now the 13th question, synonym of squander is, and the options are expensive, waste, litter or economical. Aur squander ka synonym kya hua? Waste. Now let's come to the meanings. First we have squander. इसका मतलब होता है कोई भी चीज एक फूलिश यानी कि बुद्धू तरीके से यूज करना, वेस्टफुल तरीके से यूज करना, उसको हम स्क्वैंडर बोलेंगे. देन वी हैव एक्सपेंसिव, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट हो उसको हम एक्सपेंसिव बोलेंगे. देन वी हैव वेस्ट, यानी कि कोई भी चीज केयरलेसली एक्सपेंड कर देना, खर्च कर देना, उसको हम वेस्ट बोलेंगे. देन वी हैव लिटर, लिटर का मतलब होता है कोई भी रबिश चीज जैसे कि पेपर, टिन्स या बॉटल्स इधर उधर पड़े होते हैं उसको हम लिटर बोलेंगे. देन वी हैव इकोनॉमिकल, यानी कि कोई भी वैल्यू जो हमें अच्छे रिटर्न में मिल जाती है इन रिलेशन विथ मनी, टाइम और एफर्ट, उसको हम इकोनॉमिकल बोलेंगे. नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर स्क्वैंडर, एंड दीज आर मिसस्पेंट, मिसयूज, लॉस, ब्लो, splurge, spend unwisely, fritter away or throw away. Now we have 14th question, synonym of eulogy. And options are prayer, honor, praise and denunciation. And eulogy ka synonym kya hua? Praise. Now we will discuss the meanings. Eulogy,
इसका मतलब होता है किसी को अप्रिशिएट करना, उसकी अच्छाई करना. देन वी हैव प्रेयर. प्रेयर होता है प्रार्थना करना, किससे? भगवान से प्रार्थना करना किसी विश के लिए, उसको हम प्रेयर बोलेंगे. देन वी हैव ऑनर. इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक हाई रिस्पेक्ट देना. उसके बाद है प्रेस. इसका मतलब होता है कोई एक एक्सप्रेशन देना वार्म अप्रूवल को, यानी कि एक वार्म एक्सप्रेशन किसी को देना, यानी कि उसको बढ़ावा देना, उसको हम प्रेज बोलेंगे. देन वी हैव डिनंसिएशन, यानी कि किसी के लिए सोरो फील करना पब्लिकली, या फिर वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई एक चीज भी हो सकती है, उसको डिनंसिएशन बोलेंगे. नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर योलॉजी एंड दीज आर कॉम्प्लीमेंट, एक्लेमेशन, ट्रिब्यूट, होमेज, कमेंडेशन, टेस्टिमोनियल, पेन एंड एकोलॉइड. देन द 15th क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ वॉन्ट, एंड द ऑप्शंस आर बोस्ट, डिजायर, इनएप्टीट्यूड एंड जोक. और वॉन्ट का सिनोनिम क्या हुआ? बोस्ट. नाउ लेट्स डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड दे आर वॉन्ट. इसका मतलब होता है कोई भी चीज को प्रेज करना, उसको बढ़ावा देना एक्सेसिवली. देन वी हैव बोस्ट. इसका मतलब है जब कोई इंसान किसी के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन और प्राइड बोलता है, यानी कि उसकी बढ़ावा करता है किसी के अचीवमेंट के लिए, उसको हम बोस्ट बोलेंगे. देन वी हैव डिजायर. इसका मतलब होता है कोई भी चीज, यानी कि स्ट्रांग फीलिंग होना कोई भी चीज पाने के लिए, उसको हम डिजायर बोलेंगे. देन वी हैव इनएप्टीट्यूड. इसका मतलब होता है किसी एक इंसान के लिए एक लैक ऑफ स्किल होना, यानी कि उसमें किसी एक स्किल की खामी होना. देन वी हैव जोक, यानी कि मजाक. कोई एक इंसान जब मजाक उड़ाता है और किसी को हंसी आती है, उसको हम जोक बोलेंगे. देन वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर वॉन्ट, एंड दीज आर फ्लॉन्ट, फ्लरिश, एस्टीम, सेलिब्रेट, लॉड, परेड, शो ऑफ और मेक मच ऑफ. नाउ द 16th क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ रैंकोर, एंड द ऑप्शंस आर डिसलाइक, हेटेड, डिविजन और क्रिटिसिज्म. और रैंकोर का सिनोनिम क्या हुआ? हेटेड. नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग्स. फर्स्ट वी हैव रैंकोर. इसका मतलब होता है बिटरनेस या रिसेंटफुलनेस, यानी कि कड़वाहट पैदा करना. देन वी हैव डिसलाइक, यानी कि कोई भी चीज जो किसी को पसंद ना हो, उसको हम डिसलाइक बोलेंगे. देन वी हैव हेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंस डिसलाइक होना, यानी कि बहुत ज्यादा कड़वाहट अपने मन में पाल लेना. देन वी हैव डिवीजन, यानी कि कोई जो दो चीजें सेपरेट हो जाती हैं, उसको हम डिवीजन बोलेंगे. देन वी हैव क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म एक एक्सप्रेशन होता है कोई जो इंसान कोई एक चीज लिखता है उसके बीच में फॉल्स और मिस्टेक्स निकाल देना, उसको हम बोलेंगे क्रिटिसिज्म. नाउ द अदर सिनोनिम्स फॉर रैंकोर, एंड दीज आर बिटरनेस, स्पाइट, हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, मीननेस, इलविल, मिलाइस एंड वेनम. नाउ वी हैव 17th क्वेश्चन, दैट इज सिनोनिम ऑफ इम्बेसाइल, and the options are astute, cunning, stupid and ludicrous. Aur imbecile ka synonym kya hua? Stupid. Now let's come to the meanings. First we have imbecile, yani ki jo person fool or idiot ho, yani ki buddhu ho, usko hum imbecile bolenge. Then we have astute. Iska matlab jo koi insaan कोई सिचुएशन को करेक्ट कर देता है, उसको एस्टिट्यूट बोलेंगे. देन कनिंग, यानी कोई चीज जो कनिंगली, यानी कि बहुत ज्यादा शैतान तरीके से पूरी करी जाए या पा ली जाए, उसको हम कनिंग बोलेंगे. देन वी हैव स्टूपिड. इसका मतलब जो इंटेलिजेंस या कॉमन सेंस होती है उसकी लैकनेस होना, वो कम पड़ जाना, यानी कि फूलिश तरीके से रिएक्ट करना, उसको हम स्टूपिड बोलेंगे. देन वी हैव ludicrous. इट मींस दैट आउट ऑफ प्लेस हैज टू बी अम्यूजिंग, यानी कि कोई अम्यूजिंग चीज से आउट हो जाना. एंड वी हैव अदर synonyms फॉर imbecile, एंड दे आर moron, blockhead, fool,
idiot, dope, nit, pinhead or pea brain. Now the 18th question. What is the synonym of scintillating? And the options are fascinating, unforgettable, beautiful or sparking. और स्किंटिलेटिंग का सिनोनिम क्या हुआ? स्पार्किंग. नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग्स. फर्स्ट वी हैव स्किंटिलेटिंग, यानी कि कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा ब्राइटली शाइन करती है उसको स्किंटिलेटिंग बोलते हैं. देन वी हैव फैसिनेटिंग, इट मीन्स कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है उसको फैसिनेटिंग बोलते हैं. अनफॉर्गेटेबल, यानी कि कोई भी चीज जो भूली नहीं जा सकती, कोई भी मेमोरी, उसको अनफॉर्गेटेबल बोलेंगे. देन ब्यूटिफुल, यानी कोई चीज जो बहुत ज्यादा हमें प्यारी होती है, हमारे माइंड को बहुत अच्छी लगती है, उसको ब्यूटिफुल बोलेंगे. देन स्पार्किंग, यानी कोई ऐसी चीज जो ब्राइटली शाइन करती है उसको स्पार्किंग बोलेंगे. नाउ द अदर सिनोनिम्स फॉर स्किंटिलेटिंग एंड दीज आर shining, bright, glittering, twinkling, flashing, bright, dazzling and coruscating. Now we have 19th question, that is synonym of prudent. And the options are skillful, wealthy, careful or dishonest. And prudent ka synonym kya hua? Careful. Now let's come to the meaning. First we have prudent. यानी कि फ्यूचर के बारे में केयर करना और उसके बारे में सोचना. देन वी हैव स्किलफुल, यानी कोई ऐसी ट्रेनिंग या नॉलेज में अच्छा होना, कोई चीज अच्छे तरीके से करना, उसको स्किलफुल बोलेंगे. देन वी हैव वेल्दी, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो उसको वेल्दी बोलेंगे. देन वी हैव केयरफुल, यानी कि कोई भी चीज ध्यान से करना, कोई भी डेंजर हो उसको ध्यान से करना, उसको केयरफुल बोलेंगे. देन वी हैव डिसऑनेस्ट, यानी ऐसे बिहेव करना जैसे अनट्रस्टवर्दी हो, मतलब किसी का ट्रस्ट तोड़ देना. नाउ द अदर सिनोनिम्स फॉर प्रूडेंट एंड दीज आर वाइज, वेल जज्ड, श्रूड, वेल एडवाइज्ड, कॉशियस, फोर हैंडेड, सेंसिबल एंड सेज. Now we have 20th question, that is synonym of scarcity. And the options are poverty, absence, insufficiency or disappearance. Aur scarcity ka synonym kya hua? Insufficiency. Ab hum in words ke meanings padhenge. Scarcity, yani koi aisi cheez jo kam pad jaye, yani not enough ho, usko scarcity bolenge. Then poverty, यानी कि पुअर, जो इंसान गरीब होता है उसको पॉवर्टी बोलते हैं. एब्सेंस, यानी कोई इंसान एक जगह से अवे होता है, यानी दूर होता है, एक जगह में नहीं होता है, उसको हम एब्सेंस बोलेंगे. देन इनसफिशिएंसी, यानी कि लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होना. देन वी हैव डिसअपियरेंस, इसका मतलब कोई एक चीज जो गुम हो जाए, मिसिंग हो जाए, उसको हम डिसअपियरेंस बोलेंगे. नाउ वी हैव अदर सिनोनिम्स फॉर स्कार्सिटी एंड दीज आर शॉर्टेज, लैक, अंडर सप्लाई, पॉसिटी, एब्सेंस, मीगरनेस, रेटी और डर्थ. होप ऑल दीज सिनोनिम्स विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू.